कि बहुत सारे बौद्ध स्तूप है जो जो टूटे हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाने लगे तो ऐसे बहुत से लोग आगे आ जाएंगे और कहेंगे हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है, उसका फिर क्या जवाब होगा? देखिए, एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोशिश लगातार की जाती है कि कैसे जैन को कैसे बौद्ध को अलग करके दिखाने की कोशिश की जाए। ये सब भारतीय मत है और भारतीय मतों को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। जो बाह्य आक्रांता विदेशों से भारत में आए और जिन्होंने अपनी संस्कृति को थोपने के लिए, अपने रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को थोपने के लिए हिंदू संस्कृति को तोड़ने का काम किया है, उसको विखंडित करने का काम किया है, उसकी आलोचना करने में मनोकामना को पीड़ा हो आपको हिस्ट्री की इतनी भी जानकारी नहीं। अरे आप इतना कम जानते हो, भगवान बुद्ध कहाँ के थे आप नहीं जानते हो? गया भारत से बाहर है, कुशीनगर भारत से बाहर है, सारनाथ भारत से बाहर है, क्या बात कर रहे हो? आपको इतनी भी नॉलेज नहीं? अरे मैं तो सुनता हूँ कि आप वकील हो, किस तरह के वकील हो आप? जाली एलएलबी हो क्या? और मंदिर बनाई गई है तो इस बात की तुलना, अरे भगवान बुद्ध भारत से बाहर के थे, भगवान बुद्ध तो भारत के थे। इसीलिए कहा कि भारत के सांस्कृतिक केंद्र और भारत के सांस्कृतिक केंद्रों में हमारे ये सारनाथ भी है। आप किसी भी संस्कृति के संरक्षक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी संस्कृति के संरक्षक नहीं है, एक बात सुनिए, हर तरह की संस्कृति का सर्वनाश करने वाली पार्टी है। आचार्य तिवारी, मनोज काका ये कह रहे हैं कि संस्कृति सबकी है, इतिहास सिर्फ मुगल आए, मुगलों ने हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा किया, उसे तोड़कर वहां पर मस्जिदें बना दी, क्या इतना भर है? इतिहास बाकी धर्मों का भी है, उसके बारे में कभी चर्चा क्यों नहीं होती है? इसका एक जवाब दे दीजिए। अच्छी बात है, देखिए सनातन से ही निकला हुआ अंग है जैन और बौद्ध, और पुष्यमित्र शुंग और उनके पहले जो भी राजा थे उन लोगों ने बाद में सनातन धर्म के ऊपर भी हमले किए और तोड़ करके सनातन धर्म के मंदिरों को जमीन दोज कर दिए। इसके बाद में हमारे मुझे ये बताइए कि अगर शंकराचार्य स्तूप किसने तोड़े? चारों धर्म की स्थापना की, चाह रहा हूं आप बता दो ना मुझे। यह धरती सनातन धर्मावलंबियों की रही है जी, आप मेरे वैदिक प्रश्नों का जवाब तो आप दे दो। यह धरती आक्रांताओं की नहीं है, और बौद्ध और जैन जो इसी धर्म से निकला हुआ है, आप धर्म के संरक्षक नहीं हो, लड़ा धर्म के पोषक हो। आप जैसे आचार्य धर्म के विध्वंसक है, मनोज काका ये ठीक नहीं है, ये पर्सनल अटैक है, ये पर्सनल अटैक है, आप ऐसा मत कीजिए, वो मेरे मेहमान है, आप पर ऐसे कोई अटैक करेगा नहीं, ये पर्सनल था, आप आचार्य को इस तरीके से नहीं बुला सकते ना कि आप जैसे लोगों ने धर्मों को खराब कर दिया। नहीं नहीं, पर्सनल, दिस इज पर्सनल, आप कलीमुल हफीज साहब की लाइन पर काहे जा रहे हैं? मैं इनकी परंपरा आप तो दूसरे के विचारधारा को है, समझदार इंसान, मैं इनकी विचारधारा को, विचारधारा को, विचारधारा को अंत नहीं है, विचारधारा पर चर्चा हो स्पष्ट करना चाहूंगा। कोरिया सिटी जानिए, कोरिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है, कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो,
एक छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।